सुंदरपुर बांसवाड़ा में महंगाई राहत कैंप्स का अवलोकन किया और वहां पर एक सभा भी आयोजित हुई जिसे हर जगह उन्होंने संबोधन भी दिया है। फिर वो चित्तौड़गढ़ में पहुंचे और बीजेपी पर यहां उन्होंने तंज कसा। सीएम ने कहा, ये लोग कहते हैं जो बीजेपी को वोट देगा सिर्फ वही हिंदू है, हिंदू की ये परिभाषा ठीक नहीं है। राम को कृष्ण को नहीं मानते हम लोग, हरिहर भी मानते हो, तो ये बीजेपी वालों के राम है या हिंदू है? बीजेपी में हिंदू वो है जो बीजेपी को वोट देता वो हिंदू है, बाकी हिंदू नहीं है। इसका मतलब अगर आपको हिंदू कराना है तो बीजेपी को वोट देना ही पड़ेगा, इनका मतलब ही होता है। ये संभव है क्या लोकतंत्र में? लोकतंत्र में आपकी अंतराल में हवा उठती है, क्या मैं करूं, किसको वोट दूं? संविधान में लिखा हुआ है। तो ये हिंदू का लेके जो नारा लगाते हैं, जो बढ़ जाते हैं, अच्छी बात है। वहीं सीएम गहलोत ने आज महंगाई राहत कैंप्स का भी अवलोकन किया, लाभार्थियों से बातचीत की। डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ में बड़ी जनसभा भी हुई। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही योजनाओं की जानकारी दी। एक करोड़ 35 लाख महिलाएं जो है वो चिरंजीवी योजना के जो परिवार है उन सब की मुखिया बनाई गई है महिलाओं को, और महिला जो है उनको मैं 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, मोबाइल फोन मिलेगा सब महिलाओं को राजस्थान के अंदर, ये मैं करा जाता हूँ। गायों के लिए हमने जो लंबी में गाय मर गई है उनका सर्वे करवाया है, 40,000 रुपये प्रति गाय सरकार देगी जिसकी गाय मर गई है अभी लंबी रोग के कारण से। राजस्थान को 2030 तक देश में नंबर वन राज्य बनाना है जो मैंने कहा था। आने वाली पीढ़ियों की अगर सोचोगे आप लोग, आपके राजस्थान में नंबर वन बनेगा और मजबूत होगा आने वाले वक्त के अंदर, तो आने वाले वाली पीढ़ियां राजस्थान की है वो आपको याद करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार महंगाई राहत कैंप्स का अवलोकन कर रहे हैं। इस बीच वो लोगों से भी मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। वे खुद लोगों को महंगाई राहत कैंप के बारे में बता भी रहे हैं। कई जगहों पर सीएम खुद एक एक कार्ड भी चेक कर रहे हैं, लाभार्थियों को कार्ड के बारे में बता रहे हैं। आज एक कैंप में जब महिला परेशान हो रही थी तो सीएम गहलोत ने अधिकारी से बात कर मुफ्त बिजली वाला गारंटी कार्ड लाभार्थी महिला को दिलवाया। माहौल था और लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। महंगा राहत शिविर जो है उन्हें लोगों को पत्र।